तो हेलो गाइस, नमस्कार। मंचला ब्लॉगर का एक ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम जो है शंकर कुमार का एक इंटरव्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत दिन, लगभग साल दो साल बाद जो है कि गांव में आए हैं, तो उनका इंटरव्यू करते हैं। तो आइए जी, कैमरामैन आइए इधर देखिए, यही देखिए शंकर कुमार है, और इनसे थोड़ा हम सवाल जवाब करते हैं। ये अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट हैं, तो बनिए। हाँ जी शंकर जी, बताइए आप कहाँ रहते हैं अभी? तो बिहार शरीफ में रहते हैं। अच्छा, बिहार शरीफ में देखिए रहकर ये तैयारी कर रहे हैं अभी। तो बताइए, हाल फिलहाल जो ग्रुप डी का एग्जाम था वो कैसा गया आपका? एग्जाम तो अभी नहीं हुआ है। अच्छा, एग्जाम अभी नहीं हुआ है आपका? होने वाला है। अच्छा, बताइए मतलब क्या चीज का स्पेशली तैयारी अब क्या चीज का कर रहे हैं? स्पेशली वही कॉम्पिटिशन, मेन रूप से रेलवे। अच्छा, रेलवे रिलेटेड है नहीं जी? तब कितना दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। हो गया दो तीन साल हो गया है। और गांव में हम देखे हैं कि आप गांव भी बहुत कम आते हैं, कितना दिन पर आए हैं? पिछली बार गांव कब आए थे आप? हो गया 3 साल के बाद आए हैं। 3 साल के बाद, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 3-3 साल ये गाँव को त्याग कर पढ़ाई करते हैं, और इनका अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, अभी आप इधर नदी साइड से आ रहे थे, क्या करके आ रहे थे इधर नदी तरफ? गए थे टहलने के लिए। अच्छा, टहलने गए थे, ठीक है। और तो आथी उथी में भी भरते होंगे जी, डिफेंस लाइन में? हाँ, भरवे करते हैं। अच्छा, डिफेंस लाइन में भी तैयारी चल रहा है? मिला जुला के जनरली जो भी आएंगे, मतलब की वो चल रहा है। हाँ, तो देखे दोस्तों, जैसा की शंकर कुमार हमारे गाँव के थे, तो उनका इंटरव्यू ले लिए, और ऐसे ऐसे जितने भी आदमी मिलेंगे उनका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो धन्यवाद, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।